फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रभात कुमार जी डी से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ संस्कृत क्लास सेवेंथ के द्वादश पाठ का अर्थ आदिकवि वाल्मीकि। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत ट्यूशन के पाठ 12 से ली गई हैं। और प्रसंग, इस पाठ के लेखक आदिकवि वाल्मीकि के बारे में बताते हैं, यानी कि जिसने भी यह पाठ लिखा है यानी कि प्रिंट किया है वो बता रहे हैं आदिकवि वाल्मीकि के बारे में। व्याख्या, पुराने समय में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के किनारे गए। उनके मार्ग में बहेलिए के द्वारा पीड़ित एक क्रौंच नाम का पक्षी उन्होंने एक क्रौंच नाम के पक्षी को देखा। उसका जो साथी था वह उसकी पीड़ा को देखकर बहुत व्याकुल था। घायल क्रौंच पक्षी पीड़ा से चिल्ला रहा था। ऋषि उस पक्षी की दयनीय दिशा को देखकर दृढ़ हो गए। क्रौंच पक्षी को देखकर ऋषि के मुख से एक श्लोक निकला कि तुम्हें जीवन में ना तुम्हें जीवन में ना तो प्रतिष्ठा, ना सम्मान, ना शांति मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं ऋषि प्रसिद्धा, यानी कि देख सकते हैं बुक में, यहाँ से आपको डालना है नेक्स्ट ऋषि और यहाँ तक प्रसिद्धा तक। सेकंड संदर्भ आपको ये डालना है और प्रसंग भी आपको ये डालना है पूर्ववत, ये हम कहते हैं। ऋषि कवि को ब्रह्मा देव से आकाशवाणी हुई कि तुम रामायण की रचना करो, उसमें श्रम चरित्र का पुण्य वर्णन करो, जिसे सुनकर लोग उनका अनुसरण करें और सन्मार्ग पर चलें। ब्रह्मा देव के आदेश अनुसार कवि वाल्मीकि जी ने श्लोक के रूप में रामायण कथा का वर्णन किया। वाल्मीकि जी को रामायण लेखन में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब आपको लिखना है अस्मिन से और उच्चैः तक। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि आपको लिखना है अस्मिन से और उच्चैः तक, ठीक है फ्रेंड्स। संदर्भ प्रसंग आपको पूर्व उत्तरायण देना है। और व्याख्या है, इस काव्य में वाल्मीकि जी ने पिता के आज्ञा का पालन, भाइयों में स्नेह, परोपकार की भक्ति, दया और दीनों की रक्षा आदि का वर्णन किया है। इसमें मानवता जीवित होती है और जीवन के मूल्यों का महत्व बताया गया है। इस काव्य की रचना से आदिकवि वाल्मीकि जी को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसका श्लोक देख लेते हैं, जो कि हमारी बुक में तो प्रिंट है नहीं फ्रेंड्स। ये वाला श्लोक ये देखिए कि ये वाला जो श्लोक है यहाँ पर बुक में प्रिंट है नहीं, तो मैंने ये अलग से लिख लिया है। प्रतिष्ठा तमन शाश्वती यत समा यत क्रोचे निष्म देवकम अवधि का मोहितम। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके वो शब्दार्थ और एक्सरसाइज समझाऊंगा। थैंक यू।